एडमिशन ओपन प्ले टू 10th क्लास इन कैम्ब्रिज हाइट्स स्कूल एफिलेटेड टू CBSE बोर्ड इन न्यू दिल्ली ड्यूरिंग COVID-19 क्लासेस कंटिन्यू बाय लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन दम हुआ। इस दौरान उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी का नामांकन दाखिल करवाया। मुख्यमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम ने कहा कि दमोह की जनता ने विकास को हमेशा चाहा है। जहां पहले जयंत मलैया ने दमोह का विकास किया है, वहीं आगे भी दमोह के लोगों को विकास की चाह है। इसलिए राहुल सिंह लोधी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा दमोह में भारी मतों से विजय हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमेशा से विकास कराया गया है और ये विकास आगे भी जारी रहेगा। जनता ठगी गई और जब यहाँ विकास बाधित हुआ तो राहुल ने फैसला किया कि हम ऐसी विधायकी का क्या करेंगे जिसमें दमोह का विकास ही नहीं हो सकता। दमोह के मेडिकल कॉलेज के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा थी कांग्रेस और कमलनाथ, और जब चर्चा हुई तो राहुल ने एक ही इच्छा प्रकट की कि मैं तो सब छोड़ दूंगा, मुझे दमोह का विकास चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए और भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए समर्पित है। राहुल छोड़ के आए बिना किसी शर्त के, कैरियर दांव पे लगाया दमोह के विकास के लिए। हमने तो जब पहले भी सरकार थी तो जयंत मलैया जी के नेतृत्व में दमोह का विकास हुआ। जयंत जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और अब फिर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का शासन आया हमने फिर दमोह के विकास की यात्रा फिर प्रारंभ कर दी। विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से शानदार वोटों से। लेकिन सर, नामांकन दाखिल कराने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के घर उनसे बातचीत करने पहुंचे। देखा जाए तो पार्टी से बगावत कर सिद्धार्थ मलैया ने चुनाव लड़ने का मन बनाया था, लेकिन पार्टी के मनाने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री जयंत मलैया को पार्टी की आम सभा में ले जाने के लिए पहुंचे। दमोह से शांतनु भारत, सागर टीवी न्यूज़।